कश्मीर से वहाँ पे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हो रहे हैं पाकिस्तान से कश्मीर से बहुत ज्यादा हो रहे हैं इधर या उधर उधर मकबूजा कश्मीर मकबूजा कश्मीर जिसे हम कहते हैं वहाँ पे ज्यादा हो रहे हैं कौन कर रहा है वहाँ पे पाकिस्तान गवर्नमेंट कर रही है कौन सी गवर्नमेंट कर रही है मोदी कर रहा है सबके सामने है वो तो इंडिया को आगे लेके चला गया मकबूजा को तो उससे और ज्यादा प्यारा बना दिया प्यारा बना गिलगित बल्तिस्तान की बात करें एहतजाज हो रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट एहतजाज हो रहा है अब जो जीपी जो गिलगित बल्तिस्तान के जो वो लोग हैं वो प्रोटेस्ट इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज वो समझते हैं कि वो कहते हैं हमारी आवाज ही नहीं सुनी जा रही जी सर्विस आ रही है मैं आपको आपने मेरा ये क्लिप काटना नहीं है नहीं काटूंगा और कहा जा रहा है कि वो एक बार फिर से इंडिया के साथ मिलना चाह रहे हैं ये गिलगित बल्तिस्तान जो क्या सिर्फ पाकिस्तान में है जिसके लोग आजकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये अगर इंडिया की एहसास होता तो मैं तो कहता हूँ ये इंडिया का बहुत एक डेवलप्ड जगह होती जिसमें उन लोगों ने इतनी डेवलपमेंट कर दी होती पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमारी है तो उसको अपील कर दो बिजनेस ही जुलम कर रही है अच्छा था कि बंदा इंडिया के साथ हो गया हमें सपोर्ट मिलती हमें अपना पब्लिक से ये पूछूंगा कि 75 साल से हम कश्मीर 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 का नारा लगाते आ रहे हैं ये कहते और ये सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है आज अगर पाकिस्तान की पब्लिक से पाकिस्तान के यूथ से पूछा जाएगा फ्यूचर 5 साल बाद आप पाकिस्तान की क्या कंडीशन देख रहे हो और जो इंडिया साइड पे कश्मीर है या ओवरऑल जो कश्मीर है उसका फ्यूचर क्या देख रहे हो पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है आप कश्मीर आज आपको भी बीच में हम कंट्रीब्यूट करते हैं इस डिस्कशन में सवाल ये है जिस टाइम पाकिस्तान की मौजूदा कंडीशन है आपके सामने जी हमारे सामने ठीक है जो इस टाइम जम्मू एंड कश्मीर में आपने बोला कश्मीर एरिया से आजाद कश्मीर से दिन भर आजाद कश्मीर पर से हैं आप जो आपके साथ कश्मीर है जिसे जम्मू कश्मीर हम लोग बोल रहे हैं भाई है हमारे भाई है वहाँ पे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हो रहे हैं पाकिस्तान से इस कश्मीर से बहुत ज्यादा हो रहे हैं इधर या उधर उधर मकबूजा कश्मीर मकबूजा कश्मीर जिसे हम कहते हैं वहाँ पे ज्यादा हो रहे हैं कौन कर रहा है वहाँ पे पाकिस्तान गवर्नमेंट कर रही है कौन सी गवर्नमेंट कर रही है गवर्नमेंट कर रही है मोदी कर रहा है सबके सामने है वो तो इंडिया को आगे लेके चला गया मकबूजा को तो उससे और ज्यादा प्यारा बना दिया प्यारा बना चलिए उनका वो जो कानून था वो जगह ना मतलब वो दिख नहीं सकती थी ना वहाँ पे जगह सही नहीं हो सकती वो आजकल भी खत्म हो गया अब वहाँ पे G20 की मीटिंग वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे रोड का जो है कैसा है मतलब पाकिस्तान के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते उस कश्मीर को लेकिन अगर कश्मीर टू कश्मीर कंपेयर करें तो आजाद कश्मीर में वो डेवलपमेंट नहीं है जो इंडिया में मकबूजा में उन्होंने करवाई है गिलगित बल्तिस्तान की बात करें एहतजाज हो रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट एहतजाज हो रहा है आपने अपने जो आजाद कश्मीर की बात की है वहाँ के जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं उनका क्या नाम है सरदार तरवेदी ने आज उनका नाम है ठीक है उन्होंने अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान हमारे साथ जुल्म कर रहा है आपके प्राइम मिनिस्टर मैं बताता हूँ अब देखिए ये कैसे पॉलिटिकल बदले ले रहे हैं सरदार तनवीर लियास हमारे वजीर आजम है हम पहले वो है फिर शहबाज शरीफ को तो हम मानते नहीं है हमारा लीडर खान था ठीक है चोरों के साथ ना खड़े हुए हैं ना हम किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे लेकिन हम तरह हम जा रहे हैं ऐसा मसला नहीं है तो अब इन्होंने क्या किया पाकिस्तान गवर्नमेंट ने वहां पे वो गया वजीर आजम शहबाज शरीफ हमारे वजीर आजम ने उनसे कुछ मुतालबात की अपने हुकूक के लिए और वो बंदे ने आके उसका सेंटर सील कर दिया इस्लामाबाद में निकाली तो हमने कहा नहीं अगर पाकिस्तान में हमारी प्रॉपर्टी है पाकिस्तानी कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं रही सकती पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमारी है तो उसको अपील कर दो जुलम कर रही है जुलम कर रही है अब आपने बोला पाकिस्तान की गवर्नमेंट जुलम कर रही है इसका मतलब ये पाकिस्तान के अगेंस्ट बात कर रहे हैं नहीं नहीं कर रही जब मैं वो कर रही है वो कर रही है अभी आपने कह दिया इंडिया कह रहे आप तो सिर्फ पार्टी की बात करते हो मैं आपको बताता हूँ हमारे साथ होता गया हम बेसिकली कश्मीरी है पाकिस्तान में जॉब जाती है FIA की आती है सब की आती है पुलिस की आती है पूरी FIA की जितनी भी जॉब आती है अगर पूरे पंजाब बलोचिस्तान सिंध के लिए कोटा है ना तो कश्मीरियों के लिए कितना कोटा पूरे आजाद कश्मीर में से 6 ASI 7 ASI 2 ASI FIA में तो ये जुलम का आता आपका नाम क्या है मेरा नाम शाहजेब शाहजेब भाई यही बात मैं भी कर रहा हूँ तो आपने बोला इंडिया की मैंने भी यही कह रहा हूँ ना कि वहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं वहाँ पे कॉलेज बन रहे हैं वहाँ पे कितना कोटा हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर मैं और क्या बात मैं ये कह रहा हूँ आपने बोला यूनिवर्सिटी होगी उसको हम करेंगे ASI की 6 वो मिलती है हमें मतलब 6 सीट मिल जाती है मतलब कम मिलती है कम वहाँ पे अच्छा कोटा होगा मुझे आइडिया नहीं है लेकिन वहाँ इससे कदरे बेहतर होगा गिलगित बल्तिस्तान के लोग हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं -10 डिग्री में लोग वहाँ पर सड़कों पर बैठे प्रोटेस्ट कर रहे हैं मगर पाकिस्तान मीडिया की
جانب سے انہیں کوئی کوریج نہیں دی جا رہی، کوئی رپورٹنگ نہیں کی جا رہی. ہاں اگر رپورٹنگ کی جا رہی ہے تو وہاں پر ہونے والے ٹوریزم کے حوالے سے، برف باری کے حوالے سے اور فیسٹیول کے حوالے سے، لیکن ان کے مسائل کوئی نہیں بتا رہا. دوسری جانب انڈیا جو ہے وہ ان کو فل آن کوریج دے رہا ہے، ان کے پروٹیسٹ کو کوریج دے رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک بار پھر سے انڈیا کے ساتھ ملنا چاہ رہے ہیں. اسی سارے مدعے پر آج ہم بات کریں گے پاکستان کے عوام سے، تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ علی شاہ. علی، کیا کہیں گے گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں اس وقت -10 ڈگری میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، سڑکوں پر آ کر بیٹھے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، اور سب سے بڑی بات پاکستان میڈیا کی جانب سے انہیں کوریج بھی نہیں دی جا رہی. بس میں تو اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ مطلب گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ تو نا انصافی ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے ملک کا یہی حساب کتاب ہے کہ مطلب کے پی کے حالات بھی آپ آج کل دیکھ رہے ہیں. اسی طرح گلگت بلتستان ہمارے